हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। और आज का ये जो वीडियो है ना, ये मैं बहुत पहले ही शूट कर ली थी, बट एज आई एम अपलोड बहुत लेट कर रही हूँ। ये है यूट्यूबर दृष्टि शर्मा, जो बुक्स रिव्यू, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, इसके बारे में वीडियोज़ बनाती हैं, और इनके वीडियोज़ बहुत अच्छे रहते हैं। और मैंने ना इनको यूट्यूब में देखा था और मुझे इनका वीडियो अच्छा लगा था, इंस्टाग्राम में फॉलो किया था। तब एक गूगल फॉर्म उन्होंने डाला था स्टोरी में कि वो नवी मुंबई में मीटअप रखने वाली हैं, तो मैंने वो फॉर्म भरा था और मैं जा रही हूँ ऑन द वे मीटअप के लिए। और जब मैंने इंस्टाग्राम में उनका प्रोफाइल देखा ना, तो उनके बहुत सारे ऐसे कुछ पिक्स थे जिसमें वो ऑटो में बैठे थे और बहुत अच्छा हवा चल रहा था, और उन्होंने मैं उसमें गाना भी डाला हुआ था और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। तो मैं सोची जब दृष्टि से मिलने जा ही रही हूँ तो स्टाइल भी कुछ दृष्टि जैसा किया जाए, और मैंने भी कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे। फ़ोटोज़ इतने तो अच्छे आए नहीं, जो भी आए मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ, सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलर है, आप देखिए और बताइए। ये है वो फ़ोटो, आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं आके पहुँची, इतना अंदर है ये, मुझे ढूंढने के लिए हाफ एन आवर चला गया, ढूंढने के लिए इतना टाइम लग गया। 5:30 to 7:30 का था। आई एम ऑलरेडी लेट, लेट्स सी। मैं थोड़ी लेट हो गई थी और मीटअप स्टार्ट हो गया था। दृष्टि ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और हम लोग बैठे, सब बहुत लोग आए हुए थे, आप देख ही सकते हैं। डिस्कशन चल रहा था, सबका इंट्रोडक्शन चल रहा था, कुछ नए दोस्त भी बनाए। मीटअप का तो यही फ़ायदा होता है ना कि हम नए लोगों से मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पेपर विद मी और अपना बजट बहुत सस्ता है, ठीक है, बहुत लास्ट मोमेंट पे गया मैंने, तो मेरे पास स्टिकी नोट्स है, उससे काम चलाएंगे हम। तो मैं तुम लोग को पेपर दूंगी और तुम लोग को उस पेपर पे अपनी गुड हैबिट और अपनी बैड हैबिट लिखनी है, और तुम मैं टाइमर लगा दूंगी, एक मिनट से ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। So good habit is enthusiastic. Okay, and bad habit is short tempered. तो ऐसे क्यों पढ़ रहे हो? Very good. Great one. क्योंकि ग्रेट वन, क्योंकि आजकल क्योंकि आजकल ना बहुत मतलब खुद की प्रॉब्लम्स तो सभी बताते हैं, बट किसी की कोई सुनता नहीं है। सो फिर ये बात बहुत अच्छी है जो जिसने की है। बैड हैबिट इज लेट इन क्या है ये अपलोडिंग यूट्यूब वीडियोस। ओके, तो जिसका भी है ये तो फिर लेट इन अपलोडिंग वीडियोस, वही प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन का ऐसा ही कि आपने क्यों स्टार्ट किया, ये पहले आपको ये होना चाहिए कि क्यों स्टार्ट किया, तो फिर हाफ अवे थ्रू आ ही गया, तो फिर आगे जाना ही पड़ेगा। वैसे गुड हैबिट्स ऑल द टास्क ऑन द टाइम। टेकिंग चैलेंजेस गुड हैबिट में है, और बैड हैबिट में है नॉट स्लीपिंग वेल, ईटिंग वेल। ओके, तो गुड हैबिट जो है टेकिंग चैलेंजेस, चैलेंज हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चैलेंज नहीं लेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमेशा लाइफ में अपने आप को अपडेट करना चाहिए, और इसके लिए अप्रिशिएट कर देना भी चाहिए। और जो बैड हैबिट है वो है नॉट स्लीपिंग वेल, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि बीइंग ए फिटनेस ट्रेनर, मैं बाय प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो अगर आप 8 hours नहीं सोओगे तो सुबह कैसे एनर्जेटिक रहोगे और पूरा नेक्स्ट डे का काम कैसे करोगे। तो यू हैव टू स्लीप वेल, और ईटिंग वेल ये मुझे समझा नहीं, नॉट ईटिंग वेल या ईटिंग वेल, ये तो गुड हैबिट में आना चाहिए ना, ईटिंग वेल तो गुड हैबिट में आना चाहिए ना। तो अगर नॉट ईटिंग वेल है तो अगर ईटिंग वेल है तो गुड है, ये गुड हैबिट में आना चाहिए। अगर नॉट ईटिंग वेल है तो उसको
सुधारना चाहिए। जिसके पास वो बॉल आई उसे वो यहाँ आके ट्रूथ एंड डेयर की चिट पड़ी हमारे पास। ओके ये गेम बहुत अच्छा था। एक दूसरे को बॉल पास करना है, जिसके पास ये बॉल रुका उसको जो बोला जाएगा वो क्या करना पड़ेगा। तो यही चल रहा था, सब कोई बॉल पास कर रहे थे और सबके मन में यही चल रहा था कि मेरे पास ये ना रुके, मेरे पास ये ना रुके। तो जिसके पास भी रुक रहा था, किसी को डांस करना हो रहा था, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, कोई कोई पोइट्री बोल रहे थे, बट बहुत अच्छा लग रहा था। सब बहुत इन्वॉल्व थे, बहुत अच्छा आइडिया था दृष्टि का, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स प्लान किए थे हम लोगों के लिए, ताकि सबको ही ना एक दूसरे के साथ जुड़ सके, एक दूसरे से बात कर सके। मैंने तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैंने सोचा ही नहीं था कि जो यूट्यूबर को मैंने हाल ही में यूट्यूब में देखा मैं आमने सामने उनसे मिल सकती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। नजरिया ही बदल गया, मेहनत थी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे हम, अब पता नहीं क्यों एडिशन और सब्सट्रैक्शन से डरने लगे हैं हम। नहीं पता क्या करना है जिंदगी में पर कोशिश पूरी कर रहे हैं हम। नहीं पता क्या करना है जिंदगी में पर कोशिश पूरी कर रहे हैं हम। माना कि दो कदम पीछे हम पर हार मानने वालों में से नहीं है हम। पहले माँ बाप कुछ अच्छे मार्क्स आ जाने पर गर्व से इठलाते थे, आज दुख इस बात का होता है कि वही माँ बाप अगर किसी ने बेटे के बारे में पूछ लिया तो क्या, तो पता नहीं क्यों अपनी नजरें झुका लेते हैं। दोष उनका नहीं है, ये बेरहम जमाने की सौगात है, शायद जॉब नहीं, यही सबसे बड़ी शर्म की बात है, यही सबसे बड़ी शर्म की बात है। थैंक यू सो मच। ये गेम में ना दो टीम डिवाइड किया गया था और एक म्यूजिक प्ले किया जाएगा और वो बीच में बंद क्या कर देंगे, उसके बाद जो लिरिक्स है उसको आपको गाना है। तो ये भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मजा आया। अब आया दृष्टि की बारी। हम सब ने दृष्टि को बोला कि आपको डांस करना है, तो दृष्टि का साथ देने के लिए हम स्टेज में गए और ये स्टार्ट हो गया हमारा डांस। म्यूजिक मैं प्ले नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज कॉपीराइट क्लेम। तो ये जो सॉन्ग था ना, ये था देसी गर्ल में सॉन्ग में हम लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था। दृष्टि भी बहुत ही फ्रेंडली है, आई मस्ट से वो बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फ़र्स्ट टाइम मैं उनसे मिल रही हूँ। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था मीटअप का, सबसे मिलना, नए लोगों से मिलना, दृष्टि से मिलना, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत धूम मचाया, बहुत डांस किया हम लोगों ने मिलके। खत्म हो गया। तो यार थैंक यू सो मच कवरिंग।
अब ये 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे थे, दृष्टि सबसे 1-to-1 मिली और सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने नोट्स लिखा है, सबके लिए दिया है। जैसे मैं ना बहुत बार यूट्यूब के वीडियोस तो बनाती हूँ, चैनल भी बना ली हूँ, बट ऐसा होता है ना मोटिवेशन नहीं मिलता है। कभी मैं वीडियो डालती हूँ, बहुत दिन हो जाता है फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। आई नो आप लोग मेरा वीडियोज़ पसंद करते हैं, आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे बोलते हैं रोज़ वीडियो अपलोड करना, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये ट्रैक को मैं फॉलो करूँ। वही मैं दृष्टि से बात कर रही थी कि दृष्टि मैं रेगुलर हो नहीं पा रही हूँ यूट्यूब में, बट उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखे थे मेरे लिए, तो वही सब चल रहा था। वो डायरी में मेरा लिख रही थी कि कैसा था एक्सपीरियंस, क्या मुझे पूछा जाए तो मेरे लिए तो एक बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं यूट्यूब में जो यूट्यूबर को देख रही थी अचानक मैंने एक हफ्ता पहले ही देखा था, इंस्टाग्राम में फॉलो किया और तुरंत उनका एक गूगल फॉर्म आ जाता है मीटअप का, और मैं फील करके उधर पहुँच भी गई। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। थैंक यू सो मच दृष्टि कि इतना अच्छा मीटअप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं कोशिश करूँगी आगे भी मैं जो भी मीटअप हो दृष्टि के मैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ, जा पाऊँ, मिल पाऊँ। बहुत अच्छा था, वो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है, सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी, सबको टाइम दिया, इतने लोग आए थे सबको उन्होंने पर्सनली टाइम दिया। बस बहुत ही इंजॉय किया। आई होप आप लोगों को भी आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर न्यू है चैनल में दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।